हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपालीज किचन। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं फलाहारी चाट की रेसिपी। तो इस चाट को जो है हम शकरकंदी से बनाएंगे। तो ये चाट बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होती है और आप उपवास में भी चाट का जो है मज़े ले सकते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना और इसकी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने लिए है दो शकरकंदी, जो कि थोड़ी सी मैंने मोटी शक्करकंदी ली है। पतली पतली भी ले सकते हैं आप, पर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मोटी ली है। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है इसको तेल से ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा। ये ज़रूरी नहीं है, पर कर लेंगे तो आपकी शक्करकंदी का जो छिलका है ना वो पकने के बाद में ईजिली निकल आएगा। तो यहाँ पे आप शक्करकंदी को मैं एल्यूमिनियम फॉइल में जो है अच्छे से रैप कर रही हूँ। इसके अंदर ही हम इसको पकाएंगे और इसकी एल्यूमिनियम फॉइल की स्टीम के अंदर जब ये पकेगा तो इसमें एक स्मोकी फ्लेवर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से रैप कर लिया। आप इसी तरीके से रैप कर लीजिएगा और चाहो तो आप इसको डायरेक्ट गैस पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ गैस को ऑन। और इस तरीके की ये जो जाली होती है मार्केट में इजीली मिल जाती है, तो इस जाली के ऊपर हम जो अपनी एल्यूमिनियम फॉइल में जो रैप की हुई जो शक्करकंदी है उसको हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको अलट पलट करके चारों तरफ से अच्छे से सेक के बना लेंगे। तो सेक लेंगे तो इसमें क्या होगा, इससे हमारी शक्करकंदी में एक स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा जो कि बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो 10 मिनट लगते हैं इसको करने में। तो यहाँ पे हमारी जो शक्करकंदी है वो बनके तैयार हो गई। अब हम इसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ठंडा हो जाएगा ये। और ठंडा हो जाने के बाद में, वैसे ये थोड़ी सी गर्म ही थी अभी, तो अभी मैं इसको फॉइल को खोल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बन गई है और उसका छिलका भी बहुत ही ईजिली आसानी से निकल जा रहा है। तो अब मैं इसके छिलके को हटा लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी शक्करकंदी जो है वो बनके तैयार हो गई है, वो अच्छे से पक गई है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, हमने शक्करकंदी को ना बीच में से कट कर लेंगे और छोटे छोटे पीसेस में, आप जिस साइज़ के पीसेस रखना चाहते हो बड़े छोटे उस साइज़ के पीसेस में इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी शक्करकंदी को जो है अच्छे से कट कर लिया है। तो एक ही शक्करकंदी लिए, दूसरी वाली मैं बाद में यूज़ करूँगी। अब एक पैन में मैंने यहाँ पे लिया है एक चम्मच घी, एक बड़ा चम्मच घी, क्योंकि हम फलाहार के लिए बना रहे हैं इसलिए मैंने घी लिया। आप चाहो तो इसको मूंगफली के तेल में भी बना सकते हो। तो अब मैं इसको जो है अलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे, क्रिस्पी हो जाएगी ये, आलू की तरह बिल्कुल टेस्ट करेगी ये। एक्चुअली शक्करकंदी थोड़ी सी मीठी भी होती है, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्राई हो गई है, कितनी बढ़िया लग रही है, बिल्कुल आलू वाला टेक्सचर लग रहा है। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ चटनी, खजूर और इमली की चटनी बना रही हूँ। चाट में चटनी तो चाहिए। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम सारी चीज़ें ली हैं, इमली, गुड़ और खजूर। तो यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई में हमने डाली है इमली, जो कि इसको मैंने पानी में भिगा के रख दिया था, और उसमें डाला है खजूर और थोड़ा सा मैंने सौंठ, जो ड्राई अदरक होती है वो डाली है। और फिर तो यहाँ पे मेरी चटनी जो है अब ठंडी हो गई थी, तो अब मैं उसको एक मिक्सचर जार में लेके उसको पीस लेंगे ताकि उसमें कोई लम्स ना रह जाए। और उसको अब छलनी से छान लेंगे, अच्छे तरीके से छान लेंगे। और ये काफ़ी गाढ़ी बनती है, तो आप इसको पतला करना चाहो तो इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेना। तो यहाँ पे मेरी चटनी बनके तैयार हो गई है। तो अब बनाते हैं हरी चटनी। तो यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया और हरी धनिया। अब मैं ले रही हूँ दो मिर्ची, हरी मिर्ची, और इसको भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पे लिया एक आधे इंच के करीब अदरक का मैंने टुकड़ा लिया है और एक आधा ही चम्मच मैंने जीरा लिया है और आधा ही मैंने नींबू का रस लिया है। तो इसको आधा चम्मच से भी कम मैंने थोड़ा सा नमक डाला क्योंकि चटनी बहुत कम है। तो अब हम इसको पीस लेंगे और यहाँ पे हमारी चटनी, हरी चटनी जो है वो बनके तैयार हो गई है। अब कर लेते हैं हम चाट की असेंबलिंग। तो यहाँ पे जो हमने शक्करकंदी को घी में फ्राई करके रखा था उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक डालूंगी और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। तो इन सबको डालने के बाद में तो इसमें सीजनिंग करना भी तो ज़रूरी है, और आधा जो नींबू बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे ताकि ये जो मसाले हैं हमारे शक्करकंदी में चारों तरफ से अच्छे से लग जाए। तो बहुत ही क्रिस्पी, आप इसको चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो, पर अब हम इसको थोड़े में देंगे चाट वाले फ्लेवर। तो अब मैं एक प्लेट में इसको ले रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल एक प्लेट ले ली है मैंने। तो यहाँ पे अब हम प्लेट में ले लेंगे शक्करकंदी। अब इसमें डालेंगे दही। दही में हमने थोड़ा सा शक्कर डाला था और थोड़ा सा नमक डाला था। तो यहाँ पे हमने ले लिया जो अपने मीठी चटनी बनाई थी वो डाल देंगे, और इसमें डाल देंगे अब ये जो हमने हरी चटनी बनाई थी तीखी वाली वो इसको डाल देंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। तो हमारी चाट जो है वो बनके तैयार हो गई है। बहुत ही डिलीशियस ये चाट बनी थी फलाहार में, उपवास में। अगर आपको कुछ टेस्टी खाने का मन हो तो आप इस तरीके से चाट को एंजॉय कर सकते हैं। और ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।